नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इनको मैंने 1 कप चावल के आटे से बनाया है। इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिनको पापड़ बनाना नहीं आता वो भी इनको बना लेंगे, और खाने में तो इतने क्रिस्पी और सॉफ्ट हैं कि बिना दांत वाले भी आसानी से खाएंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चावल का पापड़ बनाने के लिए एक भारी तले का बर्तन लेंगे। ये मैंने भगोना ले लिया है भारी तले का, आप कोई कढ़ाही भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा। ये चावल का आटा मैंने 1 कप लिया है, इसको डाल लेते हैं। अब इसमें पहले 1 कप पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से घोल लेते हैं। अब इसको अच्छे से घोल लेंगे, इसमें गुठली ना पड़ने पाए। अभी गैस को ऑन नहीं करेंगे, पहले इसका घोल तैयार कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए एक भी गुठली नहीं पड़ी है इसमें। ये चावल के आटे का पापड़ बनाना बहुत आसान है। जिसको बहुत आलस लगता हो बनाने में वो लोग भी बना लेंगे इसको, बहुत आसान है। 1 कप चावल के आटे में ढेर सारे पापड़ बन जाते हैं। ये देखिए अच्छे से घुल गया है। अब इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। 1 कप पानी डाल के मैंने घोल लिया था इसको, अब इसमें 6 कप पानी और डाल लेते हैं। दो तीन चार ये 5, ये आखिरी 6। अब इसको अच्छे से घोल लेते हैं। पहले मैंने इसमें टोटल 7 कप पानी डाला है, 6 कप अभी डाला है और 1 कप चावल के आटे को घोलने में डाला था। ये देखिए अच्छे से घुल गया ये। अब इसमें डाल लेते हैं 1/2 स्पून नमक। नमक कम ही डालना है क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। ये 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, इसको भी डाल लेते हैं। ये 1/2 स्पून अजवाइन डाल लेते हैं, इसको भी डाल लेंगे। आप अजवाइन की जगह जीरा डाल सकते हैं, अगर आपको जीरा पसंद हो तो आप जीरा डाल लीजिए। अब सारी सामग्री को अच्छे से घोल लेंगे पहले फिर से। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये घोल तैयार हो गया है। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को एकदम लो फ्लेम में कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए ये बैटर गाढ़ा होने लगा है। मैंने गैस को एकदम लो फ्लेम में रखा है और हाथ बराबर चला रही हूँ। आप सोच रहे होंगे इसमें देर बहुत लगती होगी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, 9 से 10 मिनट लग जाते हैं इसको पकने में, क्योंकि ये अच्छे से जब पकेगा तो फटेगा नहीं पापड़ और बहुत अच्छा फूलेगा भी। अभी बैटर अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये देखिए ये पकने भी लगा है। ये देखिए उबाल आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। लेकिन कभी कभी कोई चावल ज़्यादा पानी सोखता है, कोई कम पानी सोखता है। उस कंडीशन में अगर आपको लगे कि आपका बैटर गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें पानी को बॉयल करके इसमें मिक्स कर सकते हैं और फिर इसी तरह पका लीजिए। अभी अच्छे से पक गया है, ये देखिए। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फैलाएंगे। तब तक इसको ढक देते हैं, नहीं तो ऊपर पपड़ी पड़ जाएगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। चलते हैं इसको फैला लेंगे। एक मैंने सीट बिछा ली है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के। अब इसी में पापड़ को फैला देते हैं। मैं इनको पंखे के हवा में सुखा रही हूँ, आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं। अब एक छोटा सा चम्मच ले लेंगे, इसी के हेल्प से फैला लेते हैं। जितने छोटे बड़े साइज आपको चाहिए उतने फैला लीजिए।
ऐसे डालिए, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे गोल कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, बहुत पतला नहीं फैलाना है, नहीं तो बाद में सूखने के बाद टूट जाते हैं। ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो बैटर बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब इसी तरह फैला लेंगे। अब सारे पापड़ फैल गए हैं, अब फैन चला के छोड़ देते हैं, इनको सूखने देते हैं। 2 दिन हो गए हैं, ये पापड़ अच्छे से सूख गए हैं, ये देखिए। अब इनको एक प्लेट में उठा लेते हैं। कितने पतले पापड़ बने हैं, एकदम पतले हो गए हैं सूख करके। ये सारे पापड़ मैंने उठा लिए हैं, ये 1 कप चावल के आटे से 100 के आसपास पापड़ बन जाते हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने। अब एक कढ़ाई में ऑयल रख देते हैं गर्म होने को, और गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे, ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब थोड़ा सा डाल के पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक पापड़ डाल के भून लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। छोटा सा पापड़ है लेकिन बड़ा सा फूल जाता है, देखिए। तेल को ऐसे करके छान लेंगे। अब इसी तरह छान के निकाल लेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना भून लीजिए, बाकी का रख दीजिए डिब्बे में करके। ये चावल के आटे के पापड़ बन के तैयार हैं, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं और सॉफ्ट भी बहुत रहते हैं। मैं इनको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, सुनी ना आवाज़ आपने, ये एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये मेरा चावल के आटे का पापड़ बनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।